हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मार्च की लगभग 8 तारीख है और अब धीरे धीरे सर्दियां समाप्त होती जाएंगी और विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उन पर फ्लावरिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी। मगर जैसा कि आप ये पिटूनिया के पौधे देख रहे हैं, इनसे आप मई मंथ तक फ्लावरिंग ले सकते हैं, मगर थोड़ी सी सावधानी आपको इन प्लांट्स के साथ बरतनी होगी। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये 6 इंच पॉट में लगे हुए पौधे हैं और बेहतर ग्रोथ और बेहतर फ्लावरिंग ये पौधे मेरे गार्डन में कर रहे हैं। इनका डाया आप देख सकते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ पौधे हैं। छोटे से प्लांटर में कितनी बेहतर फ्लावरिंग है, उसका कैसे मैंने मेंटेन किया है, इन सभी पौधों को मैंने बीज से स्वयं के कलेक्शन में जो मेरे बीज थे उन्हीं से तैयार किया है और देखिए कितनी ढेरों फ्लावरिंग मुझे इन प्लांट से मिल रही है। तो लंबे समय तक, जैसा कि मैंने कहा कि मई मंथ तक भी आप थोड़ी सी देखभाल के साथ इन पौधों से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या फर्टिलाइज़र आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, उसी के विषय में हम आज बात करेंगे। तो ये सभी पौधे जो आप देख रहे हैं, इस 6 इंच के छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए पौधे हैं। पिटूनिया के लिए ज़्यादा बड़ा पॉट सुटेबल नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़े पॉट्स में ओवर वाटरिंग के चलते ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। यदि बड़े पॉट्स में आप लगा रहे हैं तो उनको एक बहुत ही बेल्ड्रेन सॉइल में आप लगाएं ताकि वे पौधे ओवर वाटरिंग को ऑब्जर्व ना कर पाएँ, उनकी मिट्टी से एक्सेस पानी जो है वो ड्रेन होता रहे। तो लंबे समय तक फ्लावरिंग के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ काम आपको आपके पौधे पर करते रहने चाहिए 15 से 20 दिनों के अंतराल में। देखिए, ये सभी पौधे 6 इंच के पॉट में लगे हैं और टाइम टू टाइम हफ्ते में एक बार इनके जो फ्लावर सूख जाते हैं उनको मैं पौधे से तोड़कर अलग करता रहता हूँ। कुछ फ्लावर पॉट्स यानी कि सीड पॉट आप छोड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 2 से 3 सीड पॉट आप छोड़ देंगे उसमें ही बहुत सारे बीज होते हैं। एक सीड पॉट में कम से कम 200 से 300 बीज निकलते हैं, तो 2 से 3 सीड पॉट यदि आप रख लेते हैं तो उससे आपको ढेरों पौधे आगे चल के तैयार कर सकते हैं। कलर मिक्स में ना रखें, जब भी रखें तो इनको अलग अलग कलर के हिसाब से आप कलेक्ट करें ताकि अलग अलग आप पौधे उनके तैयार कर पाएँ। तो 15 दिन में एक बार आपको इन पे बोन मील का प्रयोग जरूर करना है। बोन मील यदि आप ना उपयोग करना चाहें, कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं, तो उसकी जगह पे आप स्टोन डस्ट और लकड़ी की राख जैसे फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 15 दिन के अंतराल में इन पौधों को आपको फर्टिलाइज़र देना रहता है, तो इनको 15 दिन के अंतराल में मैं जो फर्टिलाइज़र देता हूँ उसमें 15 दिन में एक बार बोन मील लगभग प्रति प्लांट 2 से 3 ग्राम, बनाना ओनियन पील, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये केले के छिलके और प्याज के छिलके को डिसॉल्व करके रखा गया है, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के मैं अपने पौधों को देता हूँ। सरसों की खली की मात्रा अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के साथ साथ कम करनी पड़ेगी क्योंकि यह गर्म होती है, और यदि आपको इसका लिक्विड देना ही है पौधे को तो बिल्कुल लाइट वेट बनाना है आपको, बिल्कुल पतला लिक्विड बना के ही पौधों को दें। तो देखिए, ये जो भी पौधे हैं मेरे पास, इन पर जब भी ऐसा लगता है कि आपको फ्लावरिंग कम हो रही है तो इन पर आपको बोन मील और हल्की सी DAP का उपयोग करना है। साथ में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं उनको भी आपको अपने पौधे पर 15 दिन में एक बार ज़रूर अप्लाई करना है। पौधे से सूखे फूल व पत्तियां टाइम टू टाइम हटाते रहना है, इससे पौधे की एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती और पौधा अपनी पूरी एनर्जी के साथ फ्लावरिंग करता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 15-10 सप्ताह में एक बार इसके सभी सूखे फूल और सीड पॉट को मैं टाइम टू टाइम काट के अलग करता रहता हूँ। देखिए, इस तरह के सीड पॉट जब सूख जाएं तो आप उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप इनसे नए पौधे डेवलप कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपके पौधे में फ्लावरिंग कम हो रही है, जब पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो उस समय पर आप 10 से 15 दिन के अंतराल में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर अप्लाई करें, और जब लगे पौधे पे फ्लावरिंग थोड़ा कम हो रही है उस स्टेज पे आपको बोन मील और DAP की
10 से 15 दाने आपको अपने पौधे पर जरूर अप्लाई करना है। ऐसा करने से पौधे पे बेहतर ग्रोथ, नई नई शाखाएं डेवलप होती हैं और उन शाखाओं पे ढेरों फ्लावरिंग आपको आपके पौधे से मिलती है। तो देखिए, ये पर प्लांट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्लांट के लिए आपको लगभग इतना फर्टिलाइज़र काफ़ी होता है। 15 दिन के अंतराल में आपको इसे अपने पौधे को, जिन पौधों पर फ्लावरिंग कम हो उन पे देना है, और जिन पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है उन पे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बस का उपयोग सप्ताह में 10 से 15 दिन, यानी लगातार जल्दी जल्दी उसका उपयोग आपको नहीं करना है, 10 से 15 दिन के अंतराल में ही करना है। इस फर्टिलाइज़र को देने के पश्चात आपको उसे मिट्टी में अच्छे से मिक्स करना है, और यह फर्टिलाइज़र तभी आप अपने पौधों को दें जब आपके गमले की मिट्टी अच्छे से सूखी हुई हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ओवर वाटरिंग इन पौधों को पसंद नहीं होती, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अब इन पौधों को वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो आपको जब भी, यानी 24 घंटे में एक बार आपको अपने पौधे को पानी ज़रूर देना है। ये देखिए, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल लाइट वेट हमने बनाया है, साथ में इसमें बनाना पील और ओनियन पील भी ऐड करेंगे हम। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की फ्लावरिंग में, उसके विकास में बहुत ही सहायक फर्टिलाइज़र हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपके पौधे पर फ्लावरिंग कम हो रही है, और हाँ, एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, अब इस समय जैसे कि वातावरण में गर्मी बढ़ती चली जाएगी, तो आपको इन पौधों को 4 से 5 घंटे मॉर्निंग टाइम पे, यानी 12 से 1 बजे तक धूप लगे, और फिर सारा दिन ये पौधे शेड में रहें, ऐसी जगह पे आपको इन्हें शिफ्ट करना है। दिन भर की धूप यदि अब इन पौधों पर लगती रहेगी तो ये पौधे धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे और फ्लावरिंग करना बंद कर देंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ पिटूनिया प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए बताए गए यह फर्टिलाइज़र का छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारी प्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।